और कुम्हारी टोल प्लाजा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी हो रही अवैध वसूली की शिकायत को लेकर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने जन दर्शन में सौंपा ज्ञापन। साथ ही 10 दिनों में टोल प्लाजा बंद नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बैनर तले सोमवार को मंच के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कुम्हारी टोल प्लाजा में हो रही अवैध वसूली का आरोप लगाया। साथ ही बताया कि नेहरू नगर से टाटीबंध तक रोड की जर्जर हालत होने के बावजूद कुम्हारी टोल प्लाजा अवैध तरीके से टोल वसूल कर रहा है। साथ ही इस मार्ग का निर्माण कई वर्षों से हो रहा है, जनता को जिससे कई प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है एवं हादसे का शिकार होकर कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके अलावा शारीरिक विकलांगता भी हो चुकी है। साथ ही छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के पूरन लाल साहू एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अनुरोध वर्मा ने आरोप लगाते हुए बताया कि कुम्हारी टोल प्लाजा का विगत कई वर्ष पहले से अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको बंद नहीं करवाया एवं बाहर की कंपनी को इसका ठेका दे दिया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बैनर तले जन दर्शन में दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कर मांग रखी गई। साथ ही कहा कि कुम्हारी टोल प्लाजा को तत्काल बंद करे, अगर यह टोल प्लाजा बंद नहीं होता तो 10 दिनों के बाद कुम्हारी टोल प्लाजा में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नगर से लेकर टाटीबंध तक रोड खराब होने के बावजूद भी लगातार 5 साल से टोल प्लाजा ले रहे हैं कुम्हारी में। हमने कलेक्टर साहब से मांग की कि टोल प्लाजा जब तक रोड तंदुरुस्त नहीं हो जाता, बंद नहीं जाता, तब तक वो तत्काल प्रभाव से वो टोल प्लाजा बंद करे, नहीं तो आने वाले 10 से 15 दिन में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान में कुम्हारी टोल प्लाजा में धरना प्रदर्शन करेगा। इसके साथ हमने दूसरा ज्ञापन दिया जो लगातार कैंप क्षेत्र में जो बुलेट जो आवाज लेकर के और उसमें जो फटाका लगा करके जो चला रहे युवा लोग, उस पर हमने मांग की कि उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द करें और हमने पूरा पता वगैरह दे दिया है कि इसी जगह में वो बुलेट वगैरह का आवक जावक है वहाँ पे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।